हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाली हूँ और वो है ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स से एक फेशियल किट। इसमें आपको चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये जो फेशियल किट है ओरिफ्लेम से, ये टी ट्री एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। और पहला है ये फेस वॉश जो कि जेल फॉर्म में है। नेक्स्ट है टी टी एंड रोजमेरी प्यूरिफाइंग स्क्रब। और नेक्स्ट है एक प्यूरिफाइंग मास्क। और फोर्थ है एक फेस क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये भी टी ट्री एंड रोजमेरी एक्स्ट्रैक्ट इसमें है। तो ये चार प्रोडक्ट्स मिलाकर ये फेशियल किट होता है। फेशियल किट में चार प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि हमें पता है कि टी ट्री हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर ऐसे ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो आप ये टी ट्री वाला फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। और दोस्तों, इसमें 2-in-1 जेल विथ प्योर ऑर्गेनिक टी ट्री एक्सट्रैक्ट है विथ रोजमेरी ऑयल। ये आपके स्किन के इम्प्योरिटीज को जेंटली रिमूव करेगा और आपके जो फेस में एक्सेस सीबम है उसको भी रिड्यूस करेगा। साथ में ये आपके पोर्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर करेगा और आपके स्किन में जो ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। और दोस्तों, टी ट्री और रोजमेरी जो एक्स्ट्रैक्ट है वो आपके स्किन के जो एक्सेस ऑयल है उसको भी आने से प्रिवेंट करता और आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। साथ में आपके स्किन में ग्लो भी लाता है। और दोस्तों, ये ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स से है। ओरिफ्लेम हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस, ये आपको ऑनलाइन अमेजन पर भी मिल जाएगा। इसका आए दिन इसमें ऑफर रहता है। इसका रिसेंट प्राइस है 980 रुपीज़ ये पूरे पैक का। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसका पार्ट नंबर है 21350। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। पहला हम फेस वॉश करेंगे, फिर हम फेस को स्क्रब करेंगे, ये क्रीम को यूज़ करेंगे एंड देन लास्ट में ये हम मास्क को अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टेप से ये फेस वॉश। और ये एक जेल बेस फेस वॉश है और इसमें 150 ml क्वांटिटी है। इसमें मेंशन है कि आपको कैसे ये यूज़ करना है। इसको आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा जेंटली मसाज करना है वेट फेस में आपको, और फिर मतलब नॉर्मल वाटर से धो लेना है। और जैसा कि मैं मेरे दूसरे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने उस पर भी मेंशन कर दिया है, हमें कोई भी फेस वॉश हो उसे 1 मिनट तक बहुत ही अच्छे से फेस पर अप्लाई करना चाहिए। ना 1 मिनट से कम ना ज़्यादा, तो भी स्किन को वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले अपने फेस को वेट कर लेती हूँ। वॉश कर लिया है, अभी मैं ये फेस वॉश यूज करने वाली हूँ। इतना सा सफिशियंट होता है, आपको ये वेट फेस पर ही यूज करना चाहिए। फिर हल्के हाथों से आप इसको हैंड पर मसाज कर लीजिए, फिर अपने फेस पर यूज़ कीजिए। ये एक जेल बेस फेस वॉश है और इसमें भरपूर मात्रा में टी ट्री और रोजमेरी की सेंट आपको मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है और अच्छे से आप इसको अपने फेस पर मसाज कीजिए। मैंने नॉर्मल वाटर से अपना फेस क्लीन कर लिया है। अभी नेक्स्ट हम स्क्रबिंग करेंगे।
आप फेस को ड्राई मत कीजिए, आप वेट फेस पर ही स्क्रबिंग शुरू कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रोडक्ट है 100 ग्राम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग करना। इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, एकदम एक्वा फ्रेश कलर है। और आप जेंटली इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से स्क्रब कीजिए फेस को। ये बहुत ही जेंटली आपके स्किन को क्लीन करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड माइल्ड है। आपके स्किन में कोई भी ऐसे हार्म नहीं करेगा ये स्किन पर। आप अपने नोज एरिया पर या फिर चिन एरिया पर अच्छे से मसाज कीजिए। 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको इसको यूज़ करना है। तो मैंने 2 to 3 मिनट्स के लिए अपना फेस बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रब कर लिया है। स्क्रबिंग हमारे स्किन को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स है। ये हमारे डेड स्किन सेल्स को काफ़ी अच्छे से रिमूव कर देता है, ताकि इसके नेक्स्ट में हम जो स्टेप्स करेंगे वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो मैं नॉर्मल वाटर से फिर से अपना फेस धो के आती हूँ। फिर आपको एक क्लीन टॉवल से अपना फेस को थोड़ी सी ड्राई कर लेनी है। थर्ड स्टेप्स यानी कि क्रीम लगाएंगे, इसके लिए हमें फेस थोड़ी सी ड्राई कर लेनी चाहिए। तो अभी हम क्रीम यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका कलर एक्वा फ्रेश कलर जैसा है। तो मैं इससे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में क्रीम, फिर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फेस पे इसको मसाज करना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है मेरा फेस, तो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। अब आँखों के नीचे अच्छे से इसको यूज़ कीजिए। अब 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको मसाज कीजिए। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने पूरे फेस पर मास्क अप्लाई कर लिया है। अभी हमें 15 मिनट्स के लिए वेट करना है, फिर नॉर्मल वाटर से धो लेनी है। तो 15 मिनट्स के लिए हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी मास्क पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। और दोस्तों, इस मास्क की एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और आपके जो सनबर्न है या फिर टैनिंग की वजह से जो स्किन टोन डार्कन अप हो जाते हैं हमारे स्किन, उसको ये काफ़ी हद तक लाइटन अप करती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को ये रिड्यूस करता है। तो अभी मेरे मास्क पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अभी मैं इसको नॉर्मल वाटर से हल्के हाथों से रब करते हुए इरेज करूँगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। मैंने अपना हाथ थोड़ी सी वेट कर लिया है। अभी मैं हल्के हाथों से इसको रब करते हुए इरेज करूँगी।
फिर आपको अच्छे से नॉर्मल वाटर से धो लेनी है। इससे आपकी जो सारी स्किन की इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएंगे। अभी मैं नॉर्मल वाटर से अपना फेस क्लीन करके आती हूँ। मैंने अपना फेस क्लियर कर लिया है। देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट लग रहा है। ज़्यादातर फेशियल किट में हम देखते हैं कि मास्किंग के बाद हम क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये वाला। इस वाले फेशियल किट में क्रीम हम मास्क के पहले लगाते हैं। इसके फ़ायदे ये है कि मास्किंग के बाद बिल्कुल भी आपके स्किन ड्राई नहीं होते। आप देख सकते हैं मेरा स्किन कितना सॉफ्ट है, मॉइस्चराइज लग रही है। और फिर आपको एक क्लीन टॉवल से इसको डैप करते हुए ड्राई कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आप ये वाला क्रीम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रहा है मेरा फेस। तो मुझे लगता है कि क्रीम की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फेशियल किट आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको यूज़ करने से आपको ज़रूर से बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यही तक। थैंक यू दोस्तों।